आज जापान दुनिया की सबसे पावरफुल थर्ड नंबर की इकोनॉमी है, जो कि है 5.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। वैसे तो जापान की जनसंख्या सिर्फ 12 से 13 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद जापान हमसे बहुत ज्यादा आगे है स्टार्टअप और बिजनेस के मामले में। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया जापान के एजुकेशन सिस्टम के कारण। जापान के एजुकेशन सिस्टम को आज दुनिया का सेकंड बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम माना भी जाता है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है। और शायद यही कारण है कि वहाँ के बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और फोकस के साथ चीजों को सीखते हैं और मजा करते हैं। और यार, आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को तो जानते ही हैं, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट भी होता है तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगते उस इंटरेस्ट को खत्म होने में। दो चीज जो आप किसी जापानी लोगों से सीख सकते हो वो है डिसिप्लिन और क्वालिटी। इन दोनों चीजों में जापानीज कभी भी सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और क्वालिटी का एग्जांपल तो आप सोनी, टोटोया और होंडा मोटर्स जैसी कंपनीज में देख ही रहे होंगे। तो चलो यार, आज बात करते हैं जापान के 5 मोस्ट यूनिक और इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज के बारे में, ताकि आप इन सब स्टार्टअप से इंस्पिरेशन लें और इंडिया में भी कुछ अमेजिंग स्टार्टअप करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और इस चैनल पे मैं बस यूनिक आइडिया शेयर करता हूँ और आजकल स्टार्टअप न्यूज भी डाल रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मिलके प्रमोट करेंगे और क्या। तो पहले जापानी स्टार्टअप पे मैंने रखा है क्रंची रोल को, लेकिन यार इस स्टार्टअप को समझने से पहले आपको एक जापानी का वर्ड समझना होगा, जो कि है एनीमे। मुझे पता है कि ये बहुत लोगों को शब्द का मतलब पता होगा, लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें नहीं पता। तो एनीमे यार एक जापानी वर्ड है जिसका इंडिया में मतलब होता है एनिमेशन। इंडिया में आप इसे कार्टून या फिर एनिमेटेड सीरीज कहते होंगे। अगर आपको याद हो तो बचपन में हम बहुत सारे कार्टून्स देखा करते थे, जैसे कि नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, डोरेमोन, टोक्यो गोल्स, बेबलेट और भी बहुत सारे हैं। ऑफ कोर्स यार हमें उस समय नहीं पता होता था कि इन्हें एनीमे कहते हैं, लेकिन मजा आता था तो देख लिया करते थे। लेकिन सच बताओ यार, इन ऑसम कार्टून ने हमारे जो बचपन है उसे बहुत ज्यादा औसम बनाया था। लेकिन आज के समय में यार जब आप इंडियन कार्टून चैनल्स को देखोगे तो उसमें बहुत ही घटिया और वहियात तरीके के कार्टून्स दिखाए जाते हैं, जिसे देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आता। लेकिन जो जापान में कार्टून्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम एनिमे कहते हैं, आज उसकी पूरी दुनिया फैन है। सच बता रहा हूँ, बहुत ही हाई क्वालिटी के वो कार्टून्स और एनिमेटेड सीरीज बनाते हैं, जिनकी डेथ नोट, वन पंच मैन, अटैक ऑन टाइटन जैसी वर्ल्ड फेमस सीरीज आज पूरे दुनिया में फेमस है। इसलिए जो आज एनिमी इंडस्ट्री है वो 2020 में लगभग 23 बिलियन डॉलर के आसपास थी, और वही इंडस्ट्री 2025 में लगभग 36 बिलियन डॉलर के आसपास होने वाली है। और इसी मार्केट पोटेंशियल को आज मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स समझ चुका है, इसलिए बहुत हद तक वो फोकस कर रहा है जापानीज एनिमे पर। और यह फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि आज जो एनिमे का मार्केट है वो कितना ज्यादा पोटेंशियल है। इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि जो हमारे इंडियन एनिमे चैनल्स है उसमें आपको मिलियंस ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जापानी का ये स्टार्टअप जिसका नाम है करंची रोल। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सी एनिमी सीरीज देखने को मिल जाएंगी और भी एनिमी मूवीज भी बहुत सारी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो सारी जो एनिमी सीरीज और मूवीज है वो जापानीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसी कारण ये जो स्टार्टअप है जापानी का बहुत ही कम मार्केट कैप्चर कर पाता है। पर फिर भी इस स्टार्टअप ने अभी तक 25 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर ली है। अगर दोस्तों यार मैं आपको सीधा बात बताऊं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार हमारे इंडिया में भी मेड इन इंडिया एनिमी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हमें स्टार्ट करना चाहिए, जो कि यार हमारी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी या एटलीस्ट इंग्लिश में तो यार होना ही चाहिए, क्योंकि जो इसका मार्केट साइज आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा है। और यार जब इतना बड़ा मार्केट साइज होता है तो आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आप इसमें सक्सेसफुल भी हो पाओगे। अगर आप दोस्तों ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाए तो आप भी नेटफ्लिक्स की तरह मंथली रेंट चार्ज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। आज देख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया की मूवीज आपको गूगल पे फ्री मिल जाती है, फिर भी आज नेटफ्लिक्स बिलियन डॉलर की कंपनी है, क्योंकि यार इनका प्लेटफॉर्म है ही कुछ इस तरीके का। बहुत ज्यादा मजा आ जाता है इनकी वेब सीरीज देख के। और यार आप भी इस स्टार्टअप को अगर इंडिया में करोगे तो नेटफ्लिक्स जैसा बिजनेस कर सकते हो, जो कि आज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नंबर के स्टार्टअप पे, जिस पे मैंने रखा है आई स्पेस को। दोस्तों हम सबको पता है कि इन फ्यूचर हमारा मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना कितना ज्यादा जरूरी है अगर हमें लॉन्ग टर्म में भी सर्वाइव करना है, क्योंकि इन अवर प्लैनेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। इसलिए अगर हमें अपनी ह्यूमन स्पीसीज को सिक्योर करना है तो हमें दूसरी प्लैनेट पे भी एक्सपांड करना ही होगा। और इसी पर्पस के साथ ये जापानी स्टार्टअप भी काम कर रही है, जिनका स्लोगन भी बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, एक्सपेंड अवर प्लैनेट और एक्सपेंड अवर फ्यूचर। वैसे तो यार इनके बहुत सारे मिशन है, लेकिन जो मुझे दो मिशन सबसे ज्यादा एडवेंचरस लगते हैं और बहुत ज्यादा मजेदार लगते हैं, तो इनका सबसे पहला मिशन है कि ये चांद पे पानी खोज रहे हैं। अगर पानी नहीं मिलता तो वहां पर वाटर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि यार अगर हम चांद पे पानी ढूंढ लेते तो हम बहुत ही इजी स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर चांद पे डेवलप कर पाएंगे,
और दूसरा कारण ये है कि अगर हम पानी से हाइड्रोजन फ्यूल भी बना सकते हैं जो हमें इजिली स्पेस में और ज़्यादा दूर ट्रैवल करने में हेल्प करेगा और ज़्यादा समझने में हेल्प करेगा। 2040 तक इन्होंने सोचा है कि चांद पे 1000 लोगों को ये पहुँचा देंगे, मतलब वहीं पर उनका रहना वहना होगा, और लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग अब चांद पे इजिली ट्रैवल कर पाएंगे, और जिससे इनका रिवेन्यू भी आ पाएगा, क्योंकि भाई हर स्टार्टअप को सर्वाइव करने के लिए रिवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इनका एक अच्छा रिवेन्यू सोर्स बनेगा। और साथ में ये दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जिसमें ये मिनी रोबोट को डेवलप कर रहे हैं जो कि हेल्प करेगा हमें और न्यू प्लैनेट को लोकेट करने में और ज़्यादा स्पेस में ह्यूमन रिसोर्सेज को ढूंढने में। इस स्टार्टअप ने अभी 2013 के करीब फाउंड हुआ था और $122 मिलियन के करीब फंडिंग रेज कर ली है। अब दोस्तों बात करते हैं हमने तीसरे नंबर के जापानी स्टार्टअप है जिसका नाम है मिल्टिन। देखो यार, हम सबको पता है कि यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी हमें एक्सप्लोर और ऑब्जर्व करनी है, लेकिन यार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है हमारी कमज़ोर ह्यूमन बॉडी। ना तो यार हम समुद्र की गहराइयों तक जा सकते हैं और ना ही बिना स्पेस सूट के स्पेस में। अगर हमें सच में अपनी कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी को मैक्सिमाइज करना है तो यार हमें साइबोर्ग टेक्नोलॉजी का हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है ये स्टार्टअप, जो कि एक ऐसे रोबोटिक साइबोर्ग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिस रोबोट को आप अपनी बॉडी से कंट्रोल कर पाएंगे और ऐसी जगह भी एक्सप्लोर कर पाएंगे जहां पर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का सर्वाइव करना भी मुश्किल है, जो कि यार सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग और एडवेंचरस लगता है मुझे। अगर यार आपके पास भी कोई ऐसे एडवेंचरस आइडिया तो आप मुझसे जरूर शेयर करना यार इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने चौथे नंबर के जापानी स्टार्टअप पे जिसपे मैंने रखा है कैंप फायर को। यार एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि हर कोई जीनियस होता है, और ये बात मुझे बिल्कुल सही भी लगती है। दुनिया में हर इंसान के पास बहुत ही यूनिक आइडिया होते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन होती है जो कि वो इन रियल करना चाहता है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम जैसे लोगों की वो है पैसा, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये जापान का स्टार्टअप जो कि एक लार्जेस्ट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने आइडिया प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं और किसी भी इन्वेस्टर या पर्सन को आपका आइडिया अच्छा लगता है तो वो आपकी स्टार्टअप या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसका जो 5% कमीशन होगा ये स्टार्टअप अपने पास रख लेगा जिससे ये चलेगा, क्योंकि भाई पैसे तो चाहिए स्टार्टअप को चलाने के लिए, लेकिन यार कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बढ़िया। दोस्तों वैसे इस स्टार्टअप में अब तक 15,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट सबमिट है जिसने लगभग $70 मिलियन से भी ज्यादा फंडिंग रेज की है। और दोस्तों बात करें इस स्टार्टअप की तो इस स्टार्टअप ने $40 मिलियन की फंडिंग रेस की है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने पांचवें नंबर के जापानी स्टार्टअप पे जिसपे मैंने रखा है न्यू रोब को। देखो यार कहीं पर भी हम बाहर जाते हैं अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बहुत सारी हमें ऐसी चीजें दिख जाती है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे फैशन प्रोडक्ट हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार जो हम ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, लेकिन यार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार आखिर हमें उसे कहे क्या, अगर हम ऑनलाइन सर्च भी कर रहे हैं तो आखिर हम लिख के क्या गए, अगर कहीं हम दुकान पे जा रहे हैं तो हम कैसे बताएं कि हमें कौन से टाइप के कपड़े चाहिए या क्या कहते हैं भाई उस कपड़े को। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जापान का ये स्टार्टअप जिसका नाम है न्यू रोब, जिसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो या स्क्रीनशॉट अपलोड कर देनी है जिसका एडवांस एआई सिस्टम आपके लिए उस प्रोडक्ट को ढूंढ देगा जिससे आप इजीली उस प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे, जो कि यार सच में बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लगता है मुझे, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। और जापान में अगर सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा फेमस स्टार्टअप है, और अभी आपके पास ये मौका है कि यार इंडिया में भी ऐसे स्टार्टअप को आप कर पाएं। दोस्तों सच बताऊं तो ये अभी अपनी सर्विस सिर्फ जापान में दे रहा है, तो आपके पास एक मौका है कि यार आप ऐसे स्टार्टअप इंडिया में भी कर पाओ, ये अभी अपनी सारी सर्विस फ्री दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिवेन्यू कैसे जनरेट करता है, तो ये अपना रिवेन्यू एफिलिएट लिंक से जनरेट करता है। जो भी ये प्रोडक्ट आपको दिखाता है वो एक एफिलिएट लिंक होता है। एफिलिएट लिंक का मतलब होता है जब भी आप कोई अपने रेफरेंस से प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है, लगभग 20-30% कमीशन मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा इनका रिवेन्यू सोर्स है। शायद ये इन फ्यूचर और भी बहुत सारी चीज़ें करे, लेकिन इस स्टार्टअप ने अभी तक $100 बिलियन तक की फंडिंग रेस कर ली है, जो बहुत ही कमाल की बात है। तो दोस्तों यार आज के लिए बस करते हैं, और यार आप दिल से सपोर्ट करना ही चाहते हैं तो यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवा दो, बहुत अच्छा लगेगा।